हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं खबरी। भाजपा मध्य प्रदेश में किसानों को लेके काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। चौधरी दर्शन सिंह, जो भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और आज उस पर होने वाली है जिला स्तरीय मीटिंग। और चलिए चलते हैं उस मीटिंग में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष और साथ में भाजपा के किसान मोर्चा के जिला मंत्री। आइए इनसे चर्चा करते हैं। किसानों के अभी आने वाले कल में किसानों के लिए एक योजना आने वाली है जो कि किसान चौपाल है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में, प्रदेश व्यापी प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक पंचायत में जाने वाला है, ग्राम चौपाल लगाएगा। जिसमें क्योंकि हम ग्राम चौपाल इसलिए लगाने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे भारत के सचिव प्रधानमंत्री जी हों, किसानों को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे हैं क्योंकि किसी ने और किसानों के लिए काम ही नहीं किया। कांग्रेस तो प्रश्न चिन्ह लगाती रही है क्योंकि वो जब सरकार में आई, 15 माह का सरकार आए, उनने काउंटिंग किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर्ज माफ। लेकिन आपको 15 महीने का मौका मिलने के बाद भी आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं किसानों के लिए। आपने किसानों को ऊपर से डिफॉल्टर कर दिया, आपने कर्ज में डुबो दिया किसानों को। वो तो भला हुआ कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, किसान हितैषी सरकार आती है, जिससे किसान को फिर से ताकत देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे किसान सम्मान निधि हो, इतने सालों से कई सरकारें आई, कांग्रेस की सरकारें रही, कभी किसान सम्मान निधि देने का काम किया क्या किसी ने? अगर किसी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये प्रति ईयर प्रति साल किसानों को दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये प्रति ईयर दे रहे हैं तो हम भी 4,000 उसमें जोड़कर हम किसानों को देंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हम लोग हमेशा सदैव किसानों के लिए समर्पित हैं। चाहे ऋण हो, जब किसानों को ऋण लेने की बात आती थी तो हमेशा कांग्रेस ने 18% ब्याज दर से ऋण ले दिया किसानों को, किसानों को और कर्ज में डुबोया, किसानों को लूटने का काम किया है कांग्रेस ने। आज वो किसान के हित की बात करते हैं, बल्कि उनको किसानों की ABCD भी नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं है खेत में गेहूँ लगता है कि पेड़ लगता है। तो ऐसे लोग किसानों के लिए क्या करेंगे? हमारे मध्य प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, किसान हितैषी सरकार ने 0% ब्याज दर में किसानों को ऋण देने का काम किया हो, ग्राम सड़क हो, चाहे किस ट्रांसफार्मर में अनुदान हो, किसान संबल योजना हो, अलग अलग योजनाओं से किसान की आय कैसे दोगुना की जाए, दिन रात हमारी सरकार 365 दिन 24 घंटे इसी पे विचार विमर्श करती रहती है। हम किसान भाइयों की आय को कैसे दोगुना करें, किसान हमारा कैसे सामर्थ्यशाली बने, इन विषयों को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चिंतित रही और हमेशा किसानों के हित में खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी भारतीय जनता पार्टी, हमारी किसान मोर्चा। अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रीष्मकालीन फसल की खरीदी पंजीक की तिथि 31 मई तक बढ़ाई है, जो कि मूंग की खरीदी जैसे एक बताया जा रहा है उसको बढ़ाई है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? किसानों के हित में है? बिल्कुल किसानों के हित में। मैंने कहा हमारी सरकार हमेशा दिन रात 365 दिन 24 घंटे इसी पे विचार विमर्श कर लगी हुई है कि हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, किसान हर किसान कैसे सक्षम बने, क्योंकि अन्नदाता किसान ही हमारे देश के लिए सब कुछ है। हमारे तो नारा ही है जय जवान जय किसान, इनको इसको लेकर हम चले हैं। और हमारे किसान इसमें एक इसकी पहल है। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2 फसलें लेते थे, अब ग्रीष्मकालीन आप मूंग की बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य CM साहब ने जैसा कहा है, तो इसमें किसान 3 फसल लेगा और 3 फसल लेगा, कहीं ना कहीं किसान की जो खेती है वो लाभ का धंधा बनेगा और किसान की आय जो हम बढ़ाना चाहते हैं और किसान के लिए काम करना चाहते हैं उसमें हम सफल होंगे, हमारा ऐसा मानना है और हमारी हमेशा हम किसानों के लिए काम करते रहेंगे। तो ये थी भाजपा की जिला स्तरीय मीटिंग किसानों के मुद्दों के ऊपर, जहां इस बारे में चर्चा करी गई कि हर जिले के हर गांव में एक किसान चौपाल लगाया जाएगा, जहां किसानों पर आधारित मुद्दों की चर्चा करी जाएगी। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नजर।